दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं तो आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा, क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकता हूं या नहीं। अगर कर सकता हूं तो कितनी बार अपने चैनल का नाम चेंज कर सकता हूं। और ऐसे में दोस्तों मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया है बट मेरा जो नया वाला चैनल है वो सर्च में नहीं आ रहा, मेरी वीडियो सर्च में नहीं आ रही है और मुझे अपना पुराना वाला चैनल ही देखने को मिल रहा है, ऐसे में मैं क्या करूँ, प्लीज मेरी करिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी जो वीडियो है चैनल सर्च से लेकर होने वाली है कि आपको अपने चैनल को अगर कभी नाम चेंज कर लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कौन कौन से सेटिंग आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की, क्या आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहां पे एक सीधा साधा उत्तर है कि जी हां, आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स और क्वेश्चन एक तैयार होता है, कितनी बार हम लोग अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि हर 90 दिन के अंदर आप अपने YouTube के चैनल का नाम 3 बार चेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर 90 दिन के अंदर आप अपने YouTube चैनल का नाम 3 बार चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीसरी बार भी आपने अपने YouTube चैनल का नाम गलत डाल दिया है तो फ्रेंड्स 90 दिन के बाद ही आप उसको चेंज कर पाएंगे। बट दोस्तों मैं आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी आपको अपने यूट्यूब के चैनल का नाम बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, इससे आपकी वीडियो की रैंकिंग डाउन होती है, आपके चैनल की सर्च का रैंकिंग डाउन होती है। और दोस्तों बार बार चैनल का नाम चेंज करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है आपकी वीडियो भी जल्दी वायरल ना हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको हमेशा एक चीज कहूंगा कि जब भी आपको अपने YouTube चैनल का नाम रखें, यूनिक रखें, अच्छा से रखें और सोच समझ कर रखें ताकि आपको आने वाले टाइम पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपका YouTube चैनल हमेशा सर्च में आता रहे। अब दोस्तों मेन पॉइंट की बात करते हैं कि जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है बट मेरा YouTube चैनल जो है सर्च में नहीं आ रहा है, मुझे मेरा पुराना वाला चैनल ही देखने को मिल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा इसको बहुत ध्यान से समझना ताकि फ्रेंड्स आपको एक एक चीज समझ में आए। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आपका चैनल सर्च में ही नहीं आता है, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हमेशा वेट करना है। क्यों दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं जब भी अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करते हैं तुरंत ही जाके YouTube में सर्च करने लगते हैं कि मेरा ये वाला चैनल सर्च में आ रहा है कि नहीं। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एक घंटे या 5 घंटे हो गया अपने YouTube चैनल का नाम का चेंज किए हुए और सर्च में नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स आपको वेट करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पे कोई भी चीज अपडेट होने के लिए अच्छी तरीके से प्रॉपरली सेट होने के लिए उसको 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में फ्रेंड्स 24 से 48 घंटे के बाद आपका यूट्यूब चैनल नया वाला भी ऑटोमेटिक सर्च में आ जाएगा। यहां पर दोस्तों बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर फिर भी मेरा YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे अपने YouTube चैनल का नाम चेंज किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे हो सकता है आपने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करते समय कुछ गलतियां की होगी जिसके वजह से आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स एक एक चीज अब मैं आपको जो जो चीज बताऊंगा समझना एक एक चीज। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम, जो नया वाला चैनल का नाम है, अपने हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने नए चैनल का नाम डाल के वहां पे सेव कर देना है, यानी चेंज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने नए वाले चैनल का नाम #टैग लगा करके जरूर डाल देना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हर वीडियो के टाइटल में भी अपने चैनल का नाम, नए वाले चैनल का नाम टैग में भी ले जाके डाल देना है। टाइटल की नहीं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ, टैग में ले जाके आपको वहां पे एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर ये काम कर लेंगे तो आपका चैनल जो है सर्च लिस्ट में आने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग बोलेंगे सर मैंने सारा चीजें कर लिया फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कुछ चीजें होती है, यानी कुछ गलतियां होती है जो आप लोग करते हैं इसलिए आपका यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आता है। पहली गलती दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आप लोग अपना एक नया चैनल बनाते हैं तो हड़बड़ी में बना लेते हैं, अपने YouTube के चैनल का नाम कुछ भी रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा YouTube के चैनल का नाम हड़बड़ी में नहीं बनाना है, हमेशा सोच समझ के बनाना है, यूनिक नेम बनाना है, अच्छा नाम बनाना है। और जब भी आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्रिएट करें यूट्यूब पर सबसे पहले उसको सर्च कर लें कि क्या इस नेम से और भी कोई चैनल है या नहीं। अगर उस नेम से और भी कोई चैनल आपको देखने को मिल रहा है तो आपको उस नेम से अपना चैनल को नहीं क्रिएट करना चाहिए बल्कि दूसरे
नाम से क्रिएट करना चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था तो मैंने बहुत तरीके से अपना YouTube चैनल का नाम बनाया था, टेक्निकल ओम नंबर वन ओम या टेक्निकल नंबर वन वन, ऐसे तरह तरीके से सर्च किया था। तरह तरह के चैनल मुझे वहां पर देखने को मिले। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने एक चीज सर्च किया, टेक ओम आर्या, तो यहाँ पे मुझे फाइनली कोई भी चैनल देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम टेक ओम आर्या रख लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल का नाम सर्च करेंगे तो नंबर वन पे ही मुझे देखने को मिलेगा, आप लोगों को मेरा YouTube चैनल नंबर वन पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग Google पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे नंबर वन पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको अपने YouTube चैनल का नाम हमेशा यूनिक रखना है ताकि फ्रेंड्स उससे मिलता जुलता चैनल और दूसरा कोई ना हो तो आपका चैनल ऑटोमेटिक सर्च में आ जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स अगर आप लोग सारी चीजें कर लेते हैं फिर भी अगर आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और करना है कि चैनल टैग। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने YouTube के चैनल को क्रोम में ओपन कर लेना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पे आपको एक कीवर्ड मिलेगा ऑप्शन बॉक्स का, जिसको आप चैनल कीवर्ड बोल सकते हैं या चैनल टैग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें जाके आपको अपने YouTube के चैनल का नाम तरह तरीके से वहां पे फिलअप कर देना है, यानी लिख देना है और उसको सेव कर देना है। मान लीजिए दोस्तों जैसे कि मेरा YouTube चैनल का नाम यहाँ पे टेक ओम आर्या है, तो मैंने अपने YouTube चैनल के टैग में कीवर्ड में वहां पे जाकर के टेक ओम आर्या डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने वहां पे कोमा लगा करके ओम आर्या डाल दिया है, फिर मैंने टेक ओम डाल दिया, फिर मैंने टेक्निकल ओम डाल दिया है, और मैं किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ वहां पर मैंने वो भी डाल दिया, जैसे कि अनबॉक्सिंग रिव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब टिप्स यूट्यूब नॉलेज इंपोर्टेंट नॉलेज यूट्यूब अपडेट, इस टाइप का मैंने चैनल कीवर्ड में डाल रखा है जिससे कि मेरा चैनल सर्च में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये काम कर लेना चाहिए ताकि आपका भी चैनल सर्च में आ जाए। हालांकि दोस्तों इस पे मैंने एक ऑलरेडी प्रॉपरली रूप से वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा कि चैनल कीवर्ड में अपने चैनल का नाम कैसे डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी चीज आपको बताया हूँ अच्छे से समझ लीजिए और इस तरीके से सेटिंग करिए, आपका चैनल हमेशा रैंक नंबर वन पे करेगा और चैनल का नाम हमेशा आपको यूनिक ही रखना है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।